बीएड के जो कॉम्बिनेशन है, बहुत से क्वेश्चन उससे रिगार्डेड हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा जितना आपको संतुष्ट कर सकूं, अच्छा लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है रितु हीरा का कि हाउ कैन आई फिल एडिशनल सब्जेक्ट फॉर्म। मैडम एडिशनल बीएड के भी होते हैं, बीएड ग्रेजुएशन के भी होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता कि आप बीएड के अगर करना चाहते हो तो बीएड करने के बाद फिल होंगे, और जो ग्रेजुएशन के हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी कौन सी है ये पता होना चाहिए, क्योंकि गुरु नानक के, पंजाब के, पंजाबी के थोड़े थोड़े रूल डिफरेंट हैं। तो फॉर्म भी, जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के इस बार फरवरी को गए थे फॉर्म, है ना, तो कई बार 1-2 महीने चेंज भी हो जाता है। बेटर है कि आप जो इंक्वायरी का नंबर उस यूनिवर्सिटी से जिससे आपने ग्रेजुएशन की है तो उसका लीजिए, तो वो आपको मंथ बता देंगे कि इस मंथ में फॉर्म चाहेंगे, वो आपने ऑनलाइन फिल कर देने हैं। आई हैव डन मास्टर एंड एमफिल इन इंग्लिश, तो इंग्लिश को नहीं छोड़ना आपने, इंग्लिश लिटरेचर एंड अंडर ग्रेजुएट, एंड इन अंडर ग्रेजुएट आई हैव रीड पोलिटिकल साइंस, सो आई एम एलिजिबल फॉर पीजी। अच्छा, मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो रहा। आप ये कहना चाहते हो कि आपने मास्टर, अगर पीजीटी के लिए आप इंग्लिश के लिए ही एलिजिबल हो सकते हो, दूसरा बीएड में आपने टीचिंग या पैडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन मुझे अभी तक नॉर्म्स नहीं मिले। मेरे ख्याल में शायद आपका क्वेश्चन मुझे समझ आ रहा है, ये शायद पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश इलेक्टिव नहीं पढ़ी, अगर ये क्वेश्चन है। अगर तो आपने इलेक्टिव इंग्लिश ग्रेजुएशन में पढ़ी है और आपने एमए इंग्लिश कर ली और आपने टीचिंग ऑफ इंग्लिश कर ली, तो आप पीजीटी के लिए इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का बताने का तभी है, अगर पॉलिटिकल साइंस की आप एमए करो और टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस बीएड में पढ़ी हो, फिर पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल हो। मेरे ख्याल में ये आपका क्वेश्चन ही नहीं है, आपका क्वेश्चन इंग्लिश का ही है, तो आपको ये बताना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन में इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो बेफिक्र रहिए, आप इंग्लिश टीचिंग ऑफ इंग्लिश लीजिए, पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सर आई हैड डन ग्रेजुएशन ऑफ बीएससी मेडिकल एंड केमिस्ट्री बॉटनी, क्या क्या पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ ली, बॉटनी पढ़ ली, जूलॉजी, इलेक्टिव इंग्लिश वन, यार ये हो गया है क्वेश्चन। सर आई हैव रीड इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पॉलिटिकल से जनरल फॉर 3 ईयर, जो पिछला क्वेश्चन था उसका दूसरा वीडियो में आंसर दे दिया गया है, प्लीज वो वहां से नोट कर लीजिए। सर आई हैव रीड इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस जनरल इंग्लिश जनरल पंजाबी और 3 ईयर, है ना, 3 ईयर, लेकिन ये है क्रॉस क्यों कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए इलेक्टिव पढ़ी चाहिए। कैन आई हैव एसएसटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, यस आपके पास ज्योग्राफी है, बेस्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो इसके बेस पर आप एसएसटी सर ले सकते हो मैडम। और पॉलिटिकल साइंस, तीनों ही आपकी सोशल साइंस है, वेरी गुड, तो आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, आप एसएसटी के साथ लैंग्वेज ही आपका बनेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई भी कॉलेज नहीं देगा एसएसटी के साथ पॉलिटिकल साइंस, या आप एसएसटी के साथ इकोनॉमिक्स या एसएसटी के साथ ज्योग्राफी, ऐसा कोई नहीं देगा, अवेलेबल नहीं है, आपको लैंग्वेज ही एक चूज करनी। आई हैव अ कॉम्बिनेशन एसएसटी एंड इंग्लिश विदाउट गिविंग एनी एडिशनल पेपर ऑफ इंग्लिश, आप बीएड के लिए एलिजिबल हो, ये देख लीजिए, बीएड के लिए यस है, आपको जनरल इंग्लिश के बेस पर बीएड आपकी हो जाएगी, 2 साल लगा लिए आपने, ये आपकी बीएड खत्म हो गई, उसके बाद आपको एडिशनल इलेक्टिव इंग्लिश देने पड़ेंगे जो आपने नहीं दिए हैं। एंड मोर क्वेश्चन सर, जैसे बायोलॉजी लाइफ साइंस के अंडर आता है, वेरी गुड यार मोनिका ठाकुर जी, थैंक यू, गुड क्वेश्चन, ये मैंने भी मिस कर दिया था, देखा कितनी गलतियां करता हूँ, थैंक यू। के क्वेश्चन सर, जैसे बायोलॉजी के साथ लाइफ साइंस यस अंडर आता है, तो फिजिक्स के साथ फिजिकल साइंस यस आता है, तो केमिस्ट्री के साथ फिजिकल साइंस, ये है बायो लाइफ साइंस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स फिजिकल साइंस। सर प्लीज अगर हमें ग्रेजुएशन के बाद बीएड में यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद, हाँ ग्रेजुएशन एक यूनिवर्सिटी से कर ली, यूनिवर्सिटी वन है ना ग्रेजुएशन, और बीएड इस यूनिवर्सिटी से कर ली, बीएड दूसरी यूनिवर्सिटी से, हाँ
तो पी एस टेट में वैल्यू डिक्रीज हो जाती है? नहीं नहीं कोई नहीं डिक्रीज होती भी, आपकी वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से वैलिड चाहिए, पी एस टेट की वैल्यू उतनी ही रहेगी, वो उसमें कोई फर्क। सर मैंने बी एस सी बॉटनी करी है। अच्छा किया आपने, बॉटनी हो गया आपका बी एस सी, और मैंने केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, क्या बात है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इंग्लिश पढ़ी है। सर प्लीज बेस्ट सब्जेक्ट सजेस्ट करो। सर आपने साइंसेज पढ़ी है, आपका बन रहा है गवर्नमेंट जॉब में, ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, काइंडली वो वीडियो देख लीजिए, लिंक नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, कि जो सारे सब्जेक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं साइंस के टीचर को रिक्रूट करने के लिए। तो आपका बॉटनी बन रहा है, आप लैंग्वेज लेना चाहते हो, पता नहीं आपने इलेक्टिव इंग्लिश तो नहीं ना पढ़ी होगी, तो आप जैसे है केमिस्ट्री आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अगर इसके बेस पर आपको ऐसे साइंस देते हैं ना, तो साइंस के साथ आप लाइफ साइंस आप ले लीजिए, साइंस के साथ लाइफ साइंस अगर कोई कॉलेज देता है, नहीं तो आपको साइंस पक्का मिल जाएगा, ये पक्की बात है। साइंस मत छोड़िए, अगर साइंस के साथ लाइफ साइंस मिलता है तो ठीक है, साइंस के साथ आप ग्रेजुएशन और फिजिकल साइंस भी मिल सकता है, ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपने इतने तीन तीन साल पढ़ी हुई है, ये पंजाबी या इंग्लिश आपने जनरल पढ़ी होगी, इलेक्टिव नहीं पढ़ी होगी। अगर ये नहीं आपका बनता या कॉलेज सेटिंग नहीं आती, ये आप खुद देखिए, ये आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो तीसरे नंबर पर आप पंजाबी नहीं लेना चाहते तो साइंस और इंग्लिश ले, ये आपके बेस्ट तीन कॉम्बिनेशन। सर जी मैं बीए विच हिस्ट्री पोल साइंस ज्योग्राफी इंग्लिश पंजाबी स्टडी करती है, सर मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन की होगा? आपके बड़े अच्छे सब्जेक्ट हैं, आपको बहुत बहुत दिलप्रीत जी मुबारक। ये जो हिस्ट्री है ये केंद्रीय विद्यालय में हर हालत में चाहिए, और ज्योग्राफी चाहिए, दोनों आपके पास है, दैट इज वाई आपका ये तीनों सोशल साइंस है, तीनों में से दो के बेस पर आपका एसएसटी बन गया सर। लेकिन एसएसटी के साथ आपको लैंग्वेज ही लेनी पड़ेगी, ये आप देखिए एसएसटी इंग्लिश लेनी है या पंजाबी लेनी है, जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, ज्यादा अच्छा लगता है टीच करना, वो आप ले लीजिए। ये बात है कि वो लैंग्वेज नहीं है आपने पढ़नी, इसमें आपने उसको उसके मेथड्स पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन है एसएसटी लैंग्वेज। सर मेरा बीए में इलेक्टिव पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस और मास्टर पंजाबी है, ये देखिए मास्टर मत छोड़िए, क्योंकि पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आपको पंजाबी लेना लेना है। कृपया प्लीज मैनु थोड़ा समझ तो केड़ा सब्जेक्ट रखिए जी, है ये जरूर बताऊंगा जी। ये रहा आपका पंजाबी, आपका पक्का हो गया, इलेक्टिव पंजाबी भी आपने पढ़ी है, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप पैडागॉजी ऑफ पंजाबी ले देते हैं बीएड में, ये पक्का ले लीजिए 100%, इसको लॉक कर दो आप, ठीक है। तो आपके पास सोशल साइंस एक ही बचती है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस पंजाबी ही आपका बनेगा, बाकी सब्जेक्ट अगर कोई आपने पढ़ा हुआ है साथ में, इलेक्टिव पंजाबी होगी, पॉलिटिकल, आपने एक सब्जेक्ट बताया नहीं है। सर के मैडम कौन हो आप, दलजीत कौर जी, आपने देखो ना पंजाबी इलेक्टिव बता दिया, पॉलिटिकल साइंस, तीसरा सब्जेक्ट कौन सा ये नहीं आपने मुझे बताया, वो बताइए आप। अगर वो सोशल साइंस है, मान लीजिए वो हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है ना, तो फिर आपका एसएसटी पंजाबी बेस्ट है, अगर वो है, तीसरा मुझे नहीं आपने बताया, वो बताइए मुझे पहले। सर एंट्रेंस रिजल्ट के बाद कैसे सीट मिलेगी, काउंसलिंग कैसे होगी, अभी तक तो कोई लास्ट सेम का रिजल्ट भी नहीं आया, कोई घबराने की बात नहीं, आपका रिजल्ट नहीं आया, आपके लिए वेट की जाएगी 21 तक, अभी तो डेट है 21 तक रिजल्ट देखिए, अगर 21 अगस्त तक भी नहीं आती तो नेचुरली ये एक्सटेंड भी हो सकती है। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में चांस नहीं मिलता, आप कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सभी ने सोचना है, तो जो ग्रेजुएशन के रिजल्ट की वेट की जाती है, क्योंकि क्वालिफाइंग डिग्री जो है बेस डिग्री है यही है, आप घबराइए मत। सर मैं ग्रेजुएशन है पॉलिटिकल साइंस पंजाबी लिटरेचर होम साइंस नाल की है, कि मैनु एसएसटी मिल सकती है पंजाबी लिटरेचर, नहीं मिल सकती, आपने पॉलिटिकल साइंस है ना पढ़ी, पंजाबी लिटरेचर है तो होम साइंस नहीं मिलेगी आपको, लेना पड़ेगा होम साइंस पंजाबी नंबर एक कॉम्बिनेशन, जहां पॉलिटिकल साइंस पंजाबी, इनमें से लेना पड़ेगा। तीसरा आपका अगर मिलता है होम साइंस पॉलिटिकल साइंस, मेरे ख्याल में आप पंजाबी को मत छोड़िए, क्योंकि पंजाबी करने से आपने ये की है बीएड में भी होगी, आप पीजीटी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो गए,
पंजाबी आप मत छोड़िए, बेशक वो होम साइंस के साथ करिए, जहां इसके साथ अगर आपका इंटरेस्ट होम साइंस में है तो ये ले लीजिए, अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस। पर होम साइंस को पहला नंबर मैंने क्यों दिया, पहला नंबर आपका आ गया होम साइंस और पंजाबी है ना, दूसरा आ गया होम साइंस अगर पॉलिटिकल साइंस है तो मैंने पॉलिटिकल साइंस को बाद में क्यों रखा, सॉरी ये नहीं, दूसरा आपका ये आ गया पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी। आप होम साइंस के साथ पंजाबी लीजिए, ये होम साइंस के साथ पंजाबी होगी, ये तो सेम हो गया ना। हाँ, पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस अगर करते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में पॉलिटिकल साइंस की करनी पड़ेगी, दैट इज वाई इसको पीछे रखा है, होम साइंस को पहले रखा है। अगर होम साइंस के लिए आप पंजाबी आपका नंबर वन है, होम साइंस और पंजाबी ये जो आपका बेस्ट क्यों बनता है, आप इसके लिए भी टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए और इसके लिए भी टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका ये है। बी एड में कौन से सबसे नहीं समझ आया कि बी एड करने में जो होते हैं वो अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। सर बी ए मैथ होम साइंस एंड पोलिटिकल साइंस है, कितनी है, एम एस सी मैथ करी है सर, फिर मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों हो सकता है। आपने मैथ्स की है, आपको मैथ्स को नहीं छोड़ोगे, मैथ्स आप ले लीजिए मेजर। हाँ, मैथ्स के साथ होम साइंस नहीं है कोई कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल, अगर मैथ के साथ पोलिटिकल साइंस मिलती है वो मिलेगा किसी कॉलेज में, ये मेरे ख्याल में शायद किसी कॉलेज में ही हो, ये क्वेश्चन मार्क है, दैट इज वाई आपको मैथ्स लैंग्वेज लेना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा आपको इंग्लिश या हिंदी, सॉरी पंजाबी कौन सी लेनी है। तो मैथ्स आप नहीं छोड़ोगे, मैथ के साथ मेरे ख्याल में पॉलिटिकल साइंस अगर मिलता है, मैथ लैंग्वेज ही है बन रहा, इकोनॉमिक्स है मैथ लैंग्वेज है, मैथ का नहीं, मैथ के साथ कोई होम साइंस नहीं है, होम साइंस लैंग्वेज है अवेलेबल नहीं है वो, आपको मैथ साइंस मैथ लैंग्वेज ही लेना पड़ेगा। एक बार आप भी देख लीजिए, ये प्रॉस्पेक्टस है, प्रॉस्पेक्टस जो रिवाइज किया गया है वो आप एक बार खोल के देख लीजिए। नेक्स्ट है सर रिजल्ट तो आ गया, एससी दी मेरिट कितों तक जा सकती है, ये बड़े फैक्टर हैं, आप किस कॉलेज में लेना चाहते हो है ना, तो आप कैटेगरी तो पता चल गई और कॉम्बिनेशन आपका कौन सा है, दैट इज वाई उसके बिना मेरिट का कोई मीनिंग नहीं पता चलेगा। आप किस एरिया में हो, किस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो, चार फैक्टर बताए हैं, ये फैक्टर सारे बताओ फिर थोड़ा सा पता चलेगा कि आप यहाँ तक जा सकती है। न्यू पंजाबी सर मेजर सब्जेक्ट ऑनलाइन कैसे फिल करें, चलो अलग से भी वीडियो बना दूंगा इस। सर बीए के एडिशनल पेपर कब दे सकते हैं, सर आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के, तो फरवरी में लगभग जाते हैं, जनवरी में भी चले जाते हैं फॉर्म, तो आप इंक्वायरी नंबर यूनिवर्सिटी का लेके, अगर नहीं है तो मैं किसी वीडियो में बता देता हूँ कि बीए ग्रेजुएशन के एडिशनल कैसे करने, इस पर वीडियो बना दूंगा, एक बार आप सुजेस्ट कर दीजिए सर बना दो वीडियो फिर मैं बना दूंगा, तो उसमें आपके नंबर नहीं, मैं यूनिवर्सिटी से पता करके बता दूंगा कि यहाँ यहाँ से बनते हैं, ये आप एक बार कह जरूर दीजिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, कोई रिलेटेड इसके जानकारी चाहिए क्वेश्चन पूछ सकते हो, बने रहेंगे हम, कोशिश करेंगे हम बीएड के साथ भी, बीएड के बाद भी। डॉक्टर तीर सिंह लर्न टू एक्चुलाइज, थैंक यू।